रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। अब ये लोगों के लिए सिर्फ गाना ही है, पर कुछ लोगों के लिए जिंदगी का सच है ये। ऐसा ही कुछ हुआ टेलीविजन एक्टर पारस कलनावत के साथ। आइए आज आपको बताते हैं पारस की जिंदगी के कुछ हसीन किस्से और सुनाते हैं आपको पारस की कहानी हमारी जुबानी। पारस का जन्म नागपुर में हुआ है। उनकी फैमिली से कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं है। उनके पापा भूषण कलनावत एक बिजनेसमैन है। पारस ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी एक एल्डर सिस्टर है। बचपन से ही पारस को एक्टिंग का काफी शौक था। उनके पापा का सपना था एक्टर बनने का, पर वो किसी वजह से नहीं बन पाए। उनके इसी सपने को पूरा करने की ठान ली थी पारस ने और आज वो इस मुकाम पर है जहां उनके फ्रेंड्स और फैमिली को वो काफी प्राउड फील करवा रहे हैं। नागपुर में स्कूलिंग करने के बाद पारस ने एक्टिंग सीखने के लिए बैरी जॉन एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन की। यहां से प्रोफेशनल एक्टिंग का लेसन लेने के बाद पारस ने डांसिंग भी सीखी। एक्टिंग के साथ उन्हें एक अच्छा डांसर बनना भी जरूरी लगा। 20 साल की उम्र में पारस ने मॉडलिंग शुरू की थी और कई फेमस डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया। वही लैक्मे फैशन वीक में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं पारस। पर एक्टिंग का उनका सफर मुश्किल था। मॉडलिंग के साथ पारस कई ऑडिशंस देते थे, कभी शॉर्टलिस्ट होते थे, कभी एंड मोमेंट पर रिजेक्ट हो जाते थे। पारस जब ऑडिशन दे रहे थे तब एक ऐसा फेज भी था उनकी जिंदगी में जब उनके पास घर का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे, पर उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते गए और फाइनली उन्हें मिला उनका डेब्यू शो। 2017 में उन्हें मिला उनका पहला टेलीविजन शो मेरी दुर्गा। इस शो में पारस ने निभाया संजय प्रिंस अहलावत का किरदार, जिस किरदार को ऑडियंस का मिला थम्स अप। इसके बाद मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव, ए जिंदगी और कई शोज किए पारस ने। इन शोज के अलावा वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं पारस। पर सीरियल अनुपमा में समर बनकर इस एक्टर ने जीता सभी का दिल। पारस के लिए समर का किरदार उनके दिल के सबसे करीब है क्योंकि वो इस किरदार से काफी रिलेट करते हैं। अनुपमा के बेटे बनकर वो भी काफी खुश है। वहीं ऑफ स्क्रीन भी वो रूपाली की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं अनुपमा यानी रूपाली गांगुली को भी ऑफ कैमरा वो मम्मी बुलाते हैं। रूपाली के साथ पारस अक्सर सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस शेयर करते रहते हैं। अनुपमा को पारस के करियर का टर्निंग पॉइंट कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस शो ने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई, घर घर में छा गए पारस। अनुपमा के बेटे समर बनकर लोगों के दिलों को छुआ है इस एक्टर ने। लव लाइफ की बात करें तो पारस ने मेरी दुर्गा में उनकी को स्टार उर्फी जावेद को डेट किया, पर दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं चली, जिसकी वजह से 9 महीने में ही दोनों के ब्रेकअप की खबरें आने लगी। अनुपमा में समर और ऑन स्क्रीन पार्टनर नंदिनी AKA अनागा भोसले की जोड़ी के फैंस दीवाने हैं। इन दोनों को उनके फैंस सनन बुलाते हैं। स्पॉट बॉय की खबर के अनुसार पारस और अनागा डेट कर रहे हैं, पर इस लिंकअप की खबर पर रिएक्ट किया था पारस ने और ये साफ कर दिया था कि वो अभी भी सिंगल है और अनागा उनकी अच्छी दोस्त है। तो कैसा लगा आपको पारस के बारे में इतना कुछ जानकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।